तो यार देखो, अभी एजुकेशन मिनिस्टर लाइव भी आ गए, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, तो इससे थोड़ा थोड़ा संकेत है ना। तो यार कुछ दिन पहले ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे और उन्होंने सिर्फ सीबीएसई की बात करी, उन्होंने जेईई और नीट की डेट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करी। तो भाई यार स्टूडेंट्स ने ना परेशान कर दिया डाउट पूछ पूछ के कि भैया ये बताओ, या तो जुलाई एंड डेट लेके चलें या फिर हम अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वो एंड डेट लेके चलें, क्योंकि एग्जाम तो इन्हीं दो में होगा जैसा कि आप हमसे बोल रहे हो, तो हमें ये तो क्लियर करो कि कौन सी डेट एंड लेके चलनी है हमें। तो सबसे पहली मेरी बात ये सुनो यार, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, इसमें परेशान होने की बात ही क्या है। अगर पेपर एंड ऑफ जुलाई होगा, मैं बोल चुका हूँ अराउंड 25-26 जुलाई होगा, ठीक है, और अगर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा तो 3 अगस्त 4 अगस्त इसी रेंज के अराउंड होगा, और इनमें इन जो दो डेट्स हैं इनमें गैप पता है कितना है, सिर्फ 8 से 9 दिन का गैप बनेगा, उससे भी कम बनेगा। तो यार उस 8 से 9 दिन में ऐसा क्या करना है यार तुम्हें, मुझे तो ये बताओ। तो उसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम्हें जब लास्ट डेट मैं बोल चुका हूँ अराउंड 20 जुलाई 21 जुलाई तुम्हें लास्ट डेट लेके चलनी है, उसके बाद का जितना भी अपने पास जितना भी टाइम मिलेगा ना अपन को, अपन उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लेंगे, जो चैप्टर छोड़ दिए थे केमिस्ट्री के इजी इजी वो पढ़ लेंगे, पी ब्लॉक पढ़ लेंगे, और बताओ और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो यार इससे ये क्लियर कर दूं, टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हारा डाउट है, तो यार देखो अभी एजुकेशन मिनिस्टर लाइव भी आ गए, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, तो इससे थोड़ा थोड़ा संकेत है ना अपना अगस्त के फर्स्ट वीक में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो डेट अपनी रिलीज नहीं हो रही है और दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो परसेंटेज अगस्त के फर्स्ट वीक की भी आगे बढ़ती जा रही है। अभी का अगर मैं रेशियो बताऊं तो अगस्त का थोड़ा ज्यादा ही है, 60-40 का रेशियो है, और ये जैसे जैसे दिन पास होते जा रहे हैं और एनटीए डेट्स रिलीज नहीं कर रहा है, तो अपना जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसी में एग्जाम लेने की कंडीशन बढ़ती जाएंगी। तो होप करता हूँ तुम टेंशन वगैरह नहीं लोगे, क्योंकि ज्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 21 जुलाई या 20 जुलाई एज अ लास्ट डेट लेके चलनी है, उसके बाद का जितना भी टाइम है उसमें हमें गंदी प्रैक्टिस करनी है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहो भाई, ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसमें मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।